आज मैं जो एक और नई वीडियो के साथ, तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले हफ्ते मैं बना रहा था लेकिन वो कुछ हो गया तो मैं बना नहीं पाया। और फिर अब अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गया, मतलब पिछले हफ्ते से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गया तो मैं डाल नहीं पाया। ओके, तो आज मैं आपको नया सिखाने वाला कैप्टन अमेरिका शील, और पीछे से हम इसे पहन भी सकते हैं। अरे कौन आ गया बंदर, तू कहे आ गया मेरा भाई, तू भी आएगा क्या? ये भी मेरी आज हेल्प करने वाला है, ये एकदम से आ गया अपनी ऑरेंज वाली चेयर लेके। तो भाई ये क्या चीज है? अरे कैप्टन अमेरिका की शील जैसे दिखती है लेकिन मैंने कलरिंग वर्डिंग और ये सब नहीं किया, तो फिर अब मैं आपको इसका मटेरियल बता देती हूँ। फर्स्ट मटेरियल है कंपस, अगर आपके पास कंपस नहीं है तो आप बिना कंपस के भी सर्कल बना सकते हैं। कंपस, पेंसिल, फोर रेक्टेंगल शीट मतलब ए फोर साइज शीट, टेप और स्टेपलर और सिदर। भाई माने सिदर का यू कैंची, अरे कैंची ना सिदर है, तो ये ज्यादा मान चीजें। ओके, तो फिर और कुछ तो नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें टेप को अभी इन सबको अंदर रख दो, बस दो शीट पहले हमें चाहिए होंगी, इन्हें पकड़ दिया। तो फिर अब हम इन दो शीट को हम कंबाइन कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे इसको ऐसे कंबाइन कर देंगे टेप लगा के बीच में, तो मेरे ख्याल से ये ए थ्री साइज शीट बन जाएगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ए थ्री साइज ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मानना मत, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने जब पहले भी बनाई थी तो मेरे को ए थ्री साइज जैसी लग रही थी। तो अब हम यहाँ से मैं टेप लूँगा और इसको कंबाइन कर दूँगा। पहले मैं हमें इसको हर जगह से करना है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जगह छूटी है, वहाँ पे छूटी है, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, कू हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही अब हम पीछे की साइड भी कर देंगे। कहा था कि अब ऐसे कर देंगे, तो मैंने कर दी। यहाँ पे भी हर जगह टेप और यहाँ पे भी हर जगह टेप, मतलब मैं बीच बीच में मैं सीन हटा ले रहा हूँ क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लगता है, अपलोड नहीं हो पाती वीडियो। अबे तुशांत लेने हैं, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये ऐसे तो इधर ऐसे पहले से हुआ पड़ा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि एकदम सही हो जाए। तो ये करने के बाद हमें इसे खोल देना, फिर अब हमें इस वाली एज को इस वाली एज पे लाना है। तो बाद हमें इसे खोल देना, तो अब ये जो सेंटर आ रहा है आता है कंपास का काम। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो फिर आपको फिर बिना कंपास के आपको फिर सर्कल बनाना पड़ेगा, तो उससे कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है। अब शील्ड को कितना बड़ा बनाना है, अगर आपके पास कंपास है तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी शील्ड को कितना बड़ा बनाना है। अगर मैं अपनी शील्ड को इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ तो ये टेप के ऊपर से ले जाते हुए हमें, तो वे तो अब जब मैं पहनूंगा तो मेरी शीट इतनी बड़ी बनेगी। ओके, तो कई लोग पता है क्या कहते हैं कि जब वो शील्ड बनाते हैं तो ऐसे काट लेते हैं और बस उसके पीछे वो हैंडल लगा देते हैं, वो अगर आप करोगे तो वो मैं गलत नहीं कह रहा उसे बिल्कुल भी, तो उसे शील्ड मजबूत नहीं होती, शील्ड में हमें पीछे को लगाना होता है जिससे वो मजबूत हो। तो अब हम इसको काट देते हैं, तो फिर अब हम शुरू करते हैं। मैंने इसे काट लिया है और अब कई लोग जो करते हैं, जो ये जो पार्ट बच रहा है इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, इससे बाद में हम अपने पेपर को बचा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको रख देता हूँ, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है बाद में। ओके, तो अब इतना हमारा पार्ट बन चुका है, तो अब इसके आगे का हमें अब क्या करना होगा कि जो ये जो आ रहा है ये हमें इसको ऐसे पिंच करना है,
पिन कर दिया। बस इस पूरी साइड को हमें इस तरफ ले आना है, ऐसे ऐसे हम ले आए। उसके बाद हमें इसे यहाँ पे, अब जो ये वाली जो साइड है ये अंदर की साइड होगी, तो अब हम यहाँ पे इस जगह पे बस इतना जगह तक, इतना तक हमें पिन करना है, पिंच करके ऐसे मोड़ देना है। अब हम यहाँ पे हम टेप लगा देंगे। उसके बाद हमें एक और चीज़ करनी है, फिर हमारी जो जो ये शील्ड है उसका एकदम बेस तैयार हो जाएगा। तो उस बेस को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो जो भी जो वो होते हैं अटैक उनको सहन नहीं कर पाएगा। ओके, तो फिर मैं लगा दिया। अब इसको आप अंदर की साइड भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये अंदर की साइड से कहीं पे फटे ना। और अगर आप चाहे तो आप बाद में इसमें कलरिंग या पेंटिंग कुछ और कर सकते हैं। वैसे आप पेंटिंग मत करना अगर आप उसको किसी उससे नहीं बना रहे, हो जाए कि वो होती है ना जो कलर होती है फोर साइज शीट, क्योंकि एक बार मैंने इसमें पेंटिंग की थी तो मेरी एकदम शील एकदम ख़राब सी हो गई थी। अब वो पता नहीं कि मैंने मतलब कुछ गलत कर दिया था या फिर वो पेंट ख़राब था। तो फिर इसमें कलरिंग कर सकते हैं आप कैप्टन अमेरिका की शील की। तो अब ये हमारे शील का बेस बन गया। अगर आप इसमें वो पिंच करके वैसा वाला नहीं करते तो एकदम ये हेलमेट जैसा लगता। ओके, तो अब हमारा ये बन चुका है। अब जो बाकी की टू शीट्स बची हैं, अब इसके लिए अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर देना है। अब ये बाकी की टू शीट्स में हमें क्या करना है कि अभी हम पहले वन शीट लेंगे, इसको हम ये वाली एज, इस वाली एज पे लाएंगे। उसके बाद हम ये जो लाइन है ये क्रीज इसको हम एकदम टाइट कर देंगे और फिर मैं इसको हम इस पर बीच में से ऐसे काट देंगे। अगर आप मैं से इसको हैंड से ही कर लूंगा, लेकिन आप इसको सीजर से भी कर सकते हैं अगर आपसे नहीं होता है। ओके, तो अभी हमें ये हाफ चाहिए बस, जो ये हाफ बचा है बाकी का भी हमें एक ही काम करना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसमें एक और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, अभी इतना हो गया। अब हमें ये जो स्टेपलर है, अब हमें स्टेपलर से यहाँ पे वन इधर, टू इधर और थ्री इधर हमें ऐसे कर देना है। अगर आप स्टेपलर से नहीं करते तो फिर वो टेप बाद में खुल भी सकती है ऐसे। तो ऐसे दिखना चाहिए। अब हमें बाकी के फोर के साथ भी यही करना है। तो चलो अब हम करते हैं। मैंने ये मतलब पहले मैंने एक करके दिखाया था, तो अब मैंने सबको कर दिया। तो फिर और ये वाली जो जगह है ये आउटर स्पेस है, जो ये वाली जगह है क्योंकि ये बाहर उठ रहा है, तो जो अंदर मतलब जो अंदर से जो ऐसे जा रहा है उसमें हम इनको रखेंगे। मैं बताता हूँ कि किस शेप में रखेंगे, मतलब एक को हम ऐसे रख देंगे, तो जो ये ज़्यादा आ रहा है ना हम इसको कटआउट भी कर सकते हैं। एक को ऐसे रखेंगे, फिर दूसरे को ऐसे, दूसरे को ऐसे, फिर चौथे को ऐसे। ओके, तो अब हम इसको ऐसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके जो जैसे कि अब मैं इसको पहले ऐसे करना चाह रहा हूँ, तो फिर जो ये देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो ये जो यहाँ पे जो ये ज़्यादा जगह बच रही है इसको आप पेंसिल से जो ज़्यादा जगह आ रही है आप इसको पेंसिल से मार्क कर दो कि इस पूरी जगह को हमें कटआउट करना है। अब ऐसे ही मैं आपको सब में एक बार कर देता हूँ, फिर हम कटआउट करेंगे। तो अब जब मैंने ऐसे किया तो ये देखो कि ये यहाँ पे पिन के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं कि दोनों साइड से काट लेंगे। किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि इधर से थोड़ा सा इधर से, तो इधर से ऐसे मार्क कर देते हैं और इधर से हम इतना मार्क कर देते हैं। तो मेरे तीन दो में मार्क हो गया और मेरे हमारे भी दो में मार्क हो गया। अभी हमें इन्हें कटआउट भी करना है। ओके, तो अब थर्ड में हम मार्क करते हैं, फिर फोर में फिर हम उनको कट कर देंगे। मैं अभी आपको सारे मार्क करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको उनकी कटिंग एक की कटिंग करके दिखा दूंगा। ओके, तो अब ये देखो ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऐसे आ रहा है,
ऐसे कर लो। और शील्ड को बनाने में आपको टाइम भी लग सकता है, साथ साथ ये मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन साथ में थोड़ी सी हार्ड भी है। जब मैंने इसे पहली बार बनाया था तो मेरी तो मतलब मेरे पास सारा तो सही बना था, लेकिन एक दो चीज़ें गलत हो गई थी मेरी, तो वो भी आपकी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो वो सही भी हो सकती है। तो अब मैं जैसे कि अगर मैं इसी का ही मैं यहाँ पे ऐसे कटआउट कर दिया इधर से, और इधर से भी जो मार्किंग है उसी पे कटआउट। तो अब हम देखेंगे तो एकदम सही आ रहा है। तो ऐसे ही हम सब पे करके उस शेप में लगा देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सारे के कटआउट्स कर लिए हैं इन फोर के। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम इनको लगाएंगे कैसे। एक यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, एक यहाँ पे ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वाली जो जगह है हमने अगर इसको ऐसे रख दिया, तो जो ये वाली जो जगह है हम यहाँ पे पहले टेप लगाएंगे, फिर इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर रख देंगे, फिर यहाँ पे टेप लगा देंगे, फिर हम इसको रख देंगे, फिर ऐसे कर करके हम एक के ऊपर एक टेप लगाते जाएंगे। तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे टेप लगाई। जब मैं लगा दूंगा, देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पहले बीच में लगाई, फिर इधर लगाई, फिर इधर लगाई, ऐसे हम सब में कर देंगे। तो फिर हमारा ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड का बेस बन जाएगा, उस समय कैप्टन अमेरिका की शील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब मैंने एक जगह पे मतलब सब में मैंने लगा दिया, पहले ऊपर वाली में मैंने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगाया, फिर उससे नीचे वाली में यहाँ पे, फिर उसके भी बीच में, फिर यहाँ पे, उससे नीचे वाली में फिर यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, सबसे नीचे वाली में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ऐसा मैंने हर जगह पे कर दिया। तो अब इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। तो जब ये पूरी बन जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मतलब इससे वो इसका हमें वो कैसे करना है, मतलब ये बस्ती कैसे, मतलब क्या है इसका बेस, किस लिए बना है। तो अब जो ये हमारा पेपर बचा हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था कि ये काम आ जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि किस लिए काम आएगा। इससे हमारे एक पेज की बचत हो जाती है। तो जो ये वाला जो जगह है, इस जगह को हम कटआउट कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसको पहले देख लेंगे, फिर हम इसको देख लेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा और यहाँ से ऐसे, तो हम इसको थोड़ा सा अपने आप से ही सही कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम अब हम यहाँ पे पहले हम इसको ऐसे करके देख लेंगे कि कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है और वो सब। तो अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो फिर हम यहाँ पे जाना, जो ये काटने का था, मेरे को कहीं पे जाना पड़ गया था। तो मैंने आपको बताया था कि अब ये जैसे कि यहाँ से ये ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ये सब, तो हम इसको पहले यहाँ पे कर देंगे। अब जो ये जो ज़्यादा जगह बच रही है इसको हम कटआउट कर लेंगे, फिर एकदम सेम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सही। ओके, तो फिर अब हम ऐसे ही दूसरे को भी काट लेंगे। अब हम इसको ऐसे ही दूसरे को भी काट लेंगे। हम अभी अपने बेस को और इसको भी हम साइड में रख देते हैं। चलो अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही काट लेते हैं। तो ये कर गया। अब हम इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एकदम हमारा सही कट है, ये एकदम हमारा सही कट है। तो हमें इसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब ये जो पार्ट बच रहा है इसकी तो अब हमें कोई जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, हम अपने इन दोनों को सेम देख लिया कि दोनों सेम मतलब ब्रेथ, लेंथ, सब कुछ सेम है इनका।
तो अब हम क्या करेंगे, एक को हम अभी साइड में कर देंगे। अब जो हमें जो मैंने पुराने मशीन में जो हैंडल था पकड़ने का वो बनाना है, तो उसके लिए हम पहले अपने हाथ को यहाँ पे ऐसे रख देंगे, को यहाँ पे ऐसे हम पहले चेक करेंगे कि हमें कितना चाहिए। मेरे हाथ के लिए, आपको अपने जिसके लिए भी आप बनाना चाहे अपने लिए बना रहे तो इतना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और खुला कर देता हूँ, इतना ओके। तो अब अगर मेरे को इतना चाहिए तो इसको, अरे तू भी आ गया एकदम से, मेरे को तो बिना मेरे को तो डरा ही दिया मोटे ने। हम इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे भाई, मैं तो सचियत में ही डर गया था। हम इसको भी यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे ओके। तो ये इतना हमें चाहिए, तो अब हम हाँ हाँ तुझे अंत देने हैं। अरे भाई इसको उठाइयो सीजर को, अरे सीजर बोल लिया भाई साहब, भूल गई अच्छा तू उठा। तो अब हम यहाँ पे इस जगह पे हम कर देंगे भाई, मेरी हेल्प करेगा एक, तू एक काम कर दे भाई इसको, तू ऐसे एक हाथ अब मैं तू यहाँ पे रख ले, एक हाथ यहाँ पे रख ले हाँ, और दूसरे वाला यहाँ पे रख ले। तो मेरे को इसकी हेल्प इसलिए नहीं होती क्योंकि एक जो व्हाइट है बदने के ऐसे करा वो अपने आप, तो वो नहीं है मेरे पास। तो अब हम इस जगह पे और इस जगह पे हम टेप लगा देंगे ओके। अरे भाई साहब जो भी मैं अपनी चीज बनाता हूँ ना घर पे, चाहे मैं कुछ भी बना रहा हूँ, शील्ड बना रहा हूँ, कोई भी चीज, अब मैं अभी एक दो चीजें मैंने और भी बनाई जिसमें इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ी थी मुझे, लेकिन अब तो मैं अपने आप भी करना सीख रहा हूँ। छोड़ भाई कहीं मुझे बना दे ओके। तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। अब जो ये जो यहाँ से जो ये ऊपर उठ रहा है इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, वरना फिर वो प्रॉब्लम बन सकता है ओके। तो हमें ना अभी कुछ ज्यादा टेप नहीं लेनी, बस थोड़ी सी लेनी है। और अगर आपके पास में आपको मतलब क्या कहते हैं वो एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपके पास जो ये मोटी वाली जो टेप्स होती है ना, ये वाली ऐसे जो ये मोटी होती है इतनी मोटी, तो अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो उनसे अच्छी बनेगी। क्योंकि मैं एक बार इसको पतली वाली टेप से बनाने की कोशिश कर रहा था और वो ढंग से ना बन नहीं रही थी, मतलब मीडियम साइज की भी चलेगी लेकिन कुछ ज़्यादा ही पतली होती है ना कई बार, तो वो नहीं चलेगी। भाई छोड़ दे, वैसे भाई तू एकदम से आ कैसे गया, मेरे को डरा दिया भाई साहब तूने। तो फिर ये बन गया अच्छा, मजा आती है। तो ये बन गया हमारा, अब बस हमें इस जगह को और बनाना है ओके। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं उसको एकदम रफ पेपर से बनाता हूँ और एकदम ये वाइट बनती है, बस यहाँ से थोड़ा बहुत आ रहा है क्योंकि जो मैं रफ पेपर की जो पीछे वाली साइड थी ना एकदम प्लेन थी, तो मैंने उस साइड से करके बनाया। तो अब हम दूसरा कर लेंगे ये ओके। तो अब हम इससे हम इसको भाई पकड़ियो, पकड़ लिया। अब हम इसको, अगर मेरे को इस एक बार मैं इसके नाप की भी शील्ड बना रहा था तो मेरे को भी इसके हाथ की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कभी वो कुछ ज़्यादा खुला हो जाता है ना तो सही नहीं रहता। अगर अब अगर मैं करूँ तो फिर मेरे को ऐसा चाहिए, इतना चाहिए मेरे को, इतना मैं इसको इतना रख लेता हूँ, इतना सही है मेरे ख्याल से। और बाकी को मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ और मैं इसको भी ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, और इसको ये मेरे को तो इतना सही लग रहा है, वो सही लग रहा है वैसे। चले अरे दीजिए हाँ चल आ जा, रख इसे फिर से भाई आ जा, तो उल्टा वहाँ पे खड़ा हो रहा फिर से साइड, अबे कैमरे के सामने की खड़ा हो रहा है हाँ। चलो भाई इसको यहाँ से बाबा दूसरे वाले हाथ को भी वेरी गुड। और फिर अब हम जैसे ही इसको लगा देंगे तो हमारी शील्ड एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको इसके मतलब मैंने जो बेस बनाया है ये वाला, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि स्ट्रॉन्ग बना, और मैं आपको बता दूँ कि वो किस लिए कि मतलब वो कैसे स्ट्रॉन्ग बना है ओके। तो बहुत बताइए, बहुत बढ़िया किया। फिर हमारी शील्ड हो जाएगी तैयार एकदम, अतरी एकदम से हटा दिया फिर। तो अब हम एक बार इसको पहन के देखेंगे ओके। तो ये हो गई हमारी सही, तो ये बन चुकी है हमारी कैप्टन अमेरिका शील्ड, बोले कैप्टन अमेरिका तो नहीं हुई, अगर हम इसमें कर देंगे कैप्टन अमेरिका का डिजाइन हो जाए, इससे ऐसा बच भी सकते हैं।
ये नहीं मेरी शीट। अच्छा तू भी ले आया अपनी। अच्छा बेड़े, अरे भूल गया पहनना। ओके तो अब हम इसको आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी तलवारें वलवारें बनाई थी, ये मेरी कटाना है, मैं इसकी भी शायद से वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। ओके तो अब हम इससे टेस्टिंग करेंगे। दिखा भाई पहन अपनी पहन शील्ड पहन। अब मारता भाई साहब खेच के ऐसे कर ले। बढ़िया कुछ हुआ, ये तो पहले से वो मुड़ गई थी वो। ओके अब मैं आपको इसमें भी करके दिखा देता। अब आप पहले से देख लो कि ये कैसी दिख रही है, मारूंगा तो फिर देखना। चल भाई पहन इसे, इसे पहन पहले पहले पहन पाएगा तू इसे तो। चल ऐसे बच दिखा दे भाई। कुछ हुआ ना? हुआ कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये बेस बना है। अगर आप इसको बिना बेस के बनाएंगे ना, मैं एक लगाऊंगा ना इससे और सीधा खच 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 हो जाएगी वो। तो बाय बाय बाय। तो भूल ही गए हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब। अबे वीडियो का नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जाके लाइक कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके शेयर भी कर दो। बाय बाय।